तो नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे देसी मकई और स्वीट कॉर्न के बारे में कि स्वीट कॉर्न किस प्रकार से यूज़ में ली जाती है और किस काम में आती है और देसी भुट्टा किस काम में आता है, कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। हाँ तो किसान साथियों, आप देख सकते हो जो ये मैंने मकई उगा रखी है ये देसी मकई है। इसके जो भुट्टे की साइज होती है वो हमेशा छोटी होती है और जो अपने रोटी बनाने के यूज़ में ली जाती है वो देसी मकई ही यूज़ में आती है। और आप देख सकते हो दूसरी तरफ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, जो स्वीट कॉर्न है उसके हमेशा भुट्टा बड़ा होता है, जिसकी लंबाई देखिए आप भुट्टे की कम से कम दो बलूत की लंबी होती है। ये भुट्टा ओनली बॉईल करके खाने के लायक ही होता है और इसकी रोटी नहीं बनाई जाती है। ये गुजराती मक्का है, ये अपने राजस्थान में कम ही यूज़ में लिया जाता है, जबकि ये एक दूसरी तरफ जो मैंने देसी मक्का उगा रखी है ये अपने राजस्थान में यूज़ में ली जाती है और यहीं उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा देसी मकई राजस्थान में, यूपी में, एमपी में यहाँ उगाई जाती है। ये गुजराती भुट्टा है जो कि ये वो सिर्फ बॉईल करके खाने के लिए ही है। आप देख सकते हो किसान साथियों, जो अमेरिकन भुट्टा है उसकी पेड़ की तने की लंबाई भी डबल होती है, यानी 10 से 12 फीट लंबाई होती है अमेरिकन भुट्टे के पेड़ की तने की। और ये दूसरी ओर देख सकते हो आप देसी मकई है जिसकी हाइट बहुत कम होती है और भुट्टे लगने लग जाते हैं, ये देसी मकई है। तो किसान साथियों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।